बिहार में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की पार्टी यानी आरजेडी की सरकार बन चुकी है। नीतीश कुमार एक बार फिर से सीएम बने हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के बेटे उप मुख्यमंत्री का पदभार संभाल रहे हैं। कैबिनेट विस्तार भी हो गया है। एक तरफ पटना में मंत्रियों की शपथ के लिए मंच तैयार हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ सीबीआई ने आरजेडी की मुश्किलें बढ़ाने की तैयारी कर ली है। एक तरफ यानी कि शपथ ग्रहण समारोह जो है नीतीश कुमार की नई कैबिनेट का हो चुका है, तो दूसरी तरफ अब तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को घेरने की तैयारी भी सीबीआई कर चुकी है। सीबीआई ये चाहती है कि आईआरसीटीसी होटल घोटाले में ट्रायल तेजी से चलाया जाए, और इस केस में सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में बिहार के डेप्यूटी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी को मुख्य आरोपी बनाए हैं। इसके अलावा 11 अन्य लोगों के नाम भी इस घोटाले के आरोपियों के तौर पर दर्ज किए गए हैं। स्पेशल सीबीआई कोर्ट में 4 साल पहले एजेंसी ने ये चार्जशीट दाखिल की थी, लेकिन अब तक पूरे मामले में आरोपों को तय करने पर ही बहस शुरू नहीं हो पाई है। अब इस पूरे मामले के एक आरोपी ने फरवरी 2019 में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सीबीआई के एक्शन को ही चुनौती दे दी थी। उन्होंने कहा था कि एजेंसी ने इस पूरे केस में उनका नाम शामिल करने से पहले सरकार की मंजूरी नहीं ली। ऐसा करना ज़रूरी था क्योंकि जब ये अपराध हुआ था उस वक्त वो सरकारी कर्मचारी थे। इसी आधार पर सीबीआई कोर्ट की ओर से चार्जशीट का संज्ञान लिए जाने को भी चुनौती दी गई। उनकी अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने विनोद कुमार अस्थाना को ट्रायल कोर्ट में पेशी से छूट दे दी थी। इसके बाद तमाम जो हलचले थी वो थोड़ी सी सुगबुगाहट कम हो गई थी, लेकिन सरकारी कर्मचारी रहे दो अन्य आरोपियों ने भी ऐसी अर्जी दाखिल की। इसके चलते ट्रायल में देरी हुई और अब तक इस पूरे मामले में आरोपों पर बहस ही शुरू नहीं हो पाई थी। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बीते सप्ताह ही सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की और अस्थाना की याचिका पर फैसले की मांग की थी। इसके अलावा सीबीआई ने यह भी दावा किया था कि वो ये शर्त लगा सकता है कि अस्थाना की अर्जी पर फैसले के मुताबिक ही आरोपों को तय किया जाएगा, लेकिन आरोपों पर बहस अब शुरू करने की परमिशन मिलनी चाहिए। सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ जुलाई 2017 में केस दाखिल किया था। करीब 1 साल तक जाँच चली, जिसके बाद एजेंसी ने अप्रैल 2018 में चार्जशीट दाखिल की थी। दरअसल ये पूरा मामला है 2004 का, जब लालू प्रसाद यादव यूपीए सरकार में रेल मंत्री हुआ करते थे। इस पूरे मामले में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी पर आरोप लगाए गए कि इन लोगों ने टेंडर के नियमों को ही बदल दिया और गलत प्रक्रिया के द्वारा आईआरसीटीसी के होटलों का आवंटन किया। सीबीआई के मुताबिक लालू प्रसाद यादव ने पटना में चाणक्य और सूरज होटल के मालिकों से आईआरसीटी के अधिकारियों के जरिए मुलाकात की थी। ये उनकी ओर से किया गया गलत व्यवहार था। इस मुलाकात के दौरान लालू और राबड़ी से जुड़ी कंपनियों के लोग भी शामिल थे। तो कुल मिलाकर 100 की सीधी बात यह है कि तेजस्वी यादव डेप्यूटी सीएम बन गए हैं, आरजेडी एक बार फिर से पावर में है, लेकिन अब सीबीआई उनकी मुश्किलें बढ़ाने के लिए तैयार हो चुकी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।